वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शाम से ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। शाम को वो एंड किया था तो मैंने कहा चलो सेकंड व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। बाकी मैं कपड़े जो हैं उतार के आ चुकी हूँ, एक चेयर एरी, एक बास्केट बोरी, तो नाइट में मैं इसको फोल्ड करूँगी। और आज हीलिंग भी करनी है क्योंकि हेयर कलर किया था ना, और मैंने वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, शैम्पू नहीं किया था, कंडीशनर किया था, और कलर सारे बालों में हो गया है। मैंने 1.5 महीने के बाद किया है, पता है कलर बहुत ज़्यादा वाइट बाल हो गए थे। एनीवेज अभी मैं बनाने लगी थी चाय, और उससे पहले मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। वैसे मेरा तो नहीं है, मम्मा का है, बट जो लेकर आई वो दिखाई देती हूँ, चाहे मम्मा का है चाहे मेरा है, है ना। तो दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ, और ना काफ़ी अच्छे प्राइस पे। जैसे कि आपको पता है किचन से रिलेटेड जितना भी सामान होता है ना, वो मैं विशाल से ही करती हूँ, क्योंकि बेस्ट प्राइस पे मिल जाता है। और अगर आप लोगों के घर के आसपास विशाल है ना, तो वहाँ पर इस टाइम पे विंटर्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ है, एक बार विजिट कर लो। विंटर्स का हो गया और किचन का हो गया, ओसम वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, और क्वालिटी भाई बाहर ऐसी मिल ही नहीं सकती, सच बता रही हूँ। तो मैं जो मम्मा ने मंगाया था ना, मम्मा ने ट्रे चाहिए थी, तो 2 ट्रे लेकर आई हूँ, बाय वन गेट वन फ्री। तो एक ट्रे ऐसी है, ये देखो, क्वालिटी अच्छी है, एकदम लाइट वेट वाली नहीं है, ठीक है, आराम से उठा सकते हैं और टूटेगी जल्दी नहीं, गिर के पता चलेगा टूटेगी नहीं टूटेगी। अच्छा तो मजाक नहीं, तो ये देखो एक पे ऐसा प्रिंट है, कुछ फ्लावर पॉट वगैरह बना हुआ है, ठीक है, और दूसरी भी उसके ऊपर लीव्स वगैरह बनी हुई है। ये देखो ये वाला फ्लावर है, क्या हो गया है, ऐसे कौन रहता है। तो एक ट्रे ऐसी है जो कि इस पे ऐसे हैंडल है, इनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किससे बातें कर रही हूँ। ये ग्रे काइंड ऑफ ग्रे शेड में है, ये देखो, तो इसका ऐसा हैंडल भी है, सी। तो इसकी MRP 99 है, इसकी भी MRP 99 की है, तो बाय वन गेट वन फ्री थी ना, तो 99 की पड़ी है, तो 150 रुपीज की हो गई, और बाहर हमें इतने की मिलने से रही है ना। तो और मम्मा ने मंगाए हैं कंटेनर, ग्लास कंटेनर, मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी ना तो बहुत पसंद आए थे, तो मम्मा को चलो ये वाले मम्मा ने मंगाए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है, जैसे कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, नमकीन रख सकते हो, इसमें भी अगर इसमें पड़े रहेंगे ना तो सिलेंगे नहीं, ये एकदम इसमें सिक्योर रहता है। और इसका ग्लास भी काफ़ी अच्छा है, और ऊपर का आप जो इसकी लिड देख रहे हो ये उसमें है प्लास्टिक में, आई डोंट नो, हाँ प्लास्टिक है, बट काफ़ी हार्ड वाला है ये। तो ये मम्मा ने 4 कंटेनर मंगाया है, और इसका प्राइस ना जैसे कि ये 119 रुपये की है MRP, बट इसको हमने ऑफर प्राइस में लिया है सिर्फ 60 रुपीज़ में। तो 4 कंटेनर मम्मा ने ये वाले मंगाए हैं, ये रहा तो की लेकर आई हूँ। चलो मैं इसको रख दूँ कि मैं अपने लिए नहीं लेकर आई, कुछ बहुत हो गया सामान, मेरे सारे पैसे किचन में ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को कुछ भी पसंद आता ना किचन से रिलेटेड, मैं ले ही लेती हूँ आँख बंद करके, नहीं देखती कि पैसे है या नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं नहीं लूँगी, कि जो मेरी फसल रही है ना वो आधी से आधी किचन पे ही गई और कहीं नहीं, नहीं। किचन का सामान लेते लेते थक गई, और हस्बैंड बोलते हैं कि तुम किचन में ही सो जाओ। तो इसलिए मैंने नहीं लिया, अभी मैं इसको साइड कर रही हूँ, तो बस साइड में रख दिया, कल बैग पैक करूँगी ना तब रख दूंगी, कहीं मैं भूल ही जाऊँ। तो चलो अभी चाय वाय बनाते हैं और आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बोलो कुछ ऑफ कैमरा तुम बहुत कुछ बोलते हो, बोलो। ये देखो ऑन कैमरा ऐसे बेचारे से बन रहे जैसे कि बड़ा जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, है ना। अभी इतना कुछ सुना रहे थे मेरे को, बहुत कुछ, ब्रेड पकौड़ा नहीं खिला रहे, ब्रेड पकौड़ा खाना है, कौन है दुनू पूछ रहे, कौन है पापा जी। चाय मैंने रख दिया और मैं लेने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का।
नहीं, इसके साथ मेरे को भारी पड़ता है, कुछ ना कुछ और मांगने लग जाता है। रोटी लेके जा। और कुछ नहीं लेके दूंगी। चल चल चल, नहीं भारी चल। अरे कुंडी मत मार बेटा, चल। मेनू भी चल रहा है मेरे साथ ब्रेड पकौड़े लेने। परौंठा खाता खाता आ रहा है। इसने भाग जा रहा रोड पे बाहर। मैंने कहा था ना मेरे साथ जाएगा तो खर्चा करवा के लाएगा मेरा। कह रहा 5 रुपए दे दो मेरे को, गोल पत्ते खाने हैं। क्या खाने हैं नंदू को? गोल पत्ते खाने हैं। फिर कह रहा कि मुझे पेस्ट्री भी खानी है, तो पेस्ट्री भी लिया इसके लिए, चोको चिप और ये गोल गप्पे और ब्रेड पकौड़े तो मैंने लिए थे क्योंकि चाय बन रही थी, ये ब्रेड पकौड़े हैं। थका दिया, वीडियो नहीं बना दी क्योंकि ना बाहर रोड पे भाग जाता कि पर आई नहीं। मुझे कुछ भी डालना है, चोको चिप पेस्ट्री। पहले क्या खराब हो गई है? नहीं नहीं तो लेकर आई हाथ में उठाई। नहीं नहीं फिर पहले कह रहा था केक ले लो, मैंने कहा अभी 3-4 दिन रुक जा, पापा केक ले आएंगे। लाओगे ना केक? केक लाओगे? शर्म कर लो, शर्म। केक 4 दिन बाद केक नहीं लाते ही। लाएंगे। मेरा बर्थडे आने वाला है, ये नन्नू मेरा बर्थडे कब है? आज नहीं है, 15 को है। शादी से पहले होता था कि बर्थडे आने वाला है, अब तो हर दिन एक जैसा होता है। क्या बर्थडे, क्या एनिवर्सरी, क्या कुछ पता ही नहीं चलता, सारे दिन एक जैसे लगते हैं। नन्नू पहले आप मेरे को बताओ, मेरे को बर्थडे गिफ्ट क्या दोगे? मैं दूंगा को मम्मा, नहीं मम्मा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पता नहीं कहां से सीख रहा था। नहीं मम्मा मेरे को क्यों देगा, मतलब अपने लिए नई मम्मा लाने की सोच रहा है लड़का। इसलिए आपको मार। देख रहे हो आजकल के बच्चे फोन से कैसे कैसे बातें सीखते हैं, और हमारे घर पे कोई ऐसी बातें करते हैं। अब हस्बैंड को तो देख रहे हो कुछ बोलते नहीं, और इसकी बोलती चुप नहीं होती है। हाँ पहले मेरे को बता, अच्छे से बता मेरे को बर्थडे गिफ्ट क्या देगा। जय जय का गिफ्ट। थैंक यू। जय जय का गिफ्ट तो अच्छा है ना। अभी तो खिलाया था छोटा सा सबको तो खिला दे। मैं गुनी खिलाया, चल खा ले। अब दूसरा दे दे, निकालो यार ठंडे हो जाएंगे। ये देख लो कितना सा खिला रहा है टिड्डू सा। नहीं चाहिए मेरे को, खिलाता तो है नहीं, खिला नहीं खिला रहा। थैंक यू। आए ब्रेड पकौड़ा है। साथ और मैं बना रही हूँ दाल। मैंने भिगो के रख दी है, मैं ना दाल बॉईल नहीं करूंगी, सिर्फ भिगो के रखी। इतने तड़का लगेगी ना
जितनी सी थोड़ी सी बिक जाएगी। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ, तो मैंने ये छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं। और प्याज बहुत तीखा है, बहुत तीखा। और साथ में ना थोड़े से चावल बना लूंगी, नन्नू और मैं ही खाएंगे, नन्नू के पापा ही खाएंगे, तो इनके लिए रोटी बना दूंगी मैं। फटाफट प्याज काट दूँ मैं, टाइम हो रहा है, मैंने पूजा भी नहीं करी है, पूजा भी करनी है। बहुत सारा तीखा प्याज है, और अगर ऐसे कोई आ जाए ना जिसको ना पता हो प्याज कटा है, वो तो पता नहीं क्या ही सोचेगा। थाली लग चुकी है चने की दाल, साथ में है चावल, साथ में है पापड़। ओ ये रही मेरी थाली, नन्नू ने खा ली, नन्नू ने भी चावल खाए हैं और नन्नू के पापा ने खाई है रोटी, तो मैंने भी अपनी एक रोटी बनाई है और साथ में चावल। तो चलो पहले डिनर कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, आप लोग भी आ जाइए, डिनर कर लीजिए। सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, हस्बैंड वाइफ की मस्ती, नन्नू के साथ मस्ती अगर अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।